Hi guys, welcome back to our channel Twice Nice. So guys, unfortunately सब कुछ वर्चुअल हो गया है. मीटिंग्स बोलो, पार्टी बोलो, सेलिब्रेशन बोलो, सब कुछ ही ऑनलाइन कर रहे हैं हम लोग. और आजकल हम पूरे दिन बस पजामे में रहते हैं. तो जस्ट टू लुक मोर प्रेजेंटेबल फॉर दिस वर्चुअल सेलिब्रेशंस, वी हैव क्रिएटेड दिस टू लुक. सो द फर्स्ट वन इज अ कॉर्पोरेट मीटिंग लुक विच इज सिंपल येट क्लासी. द सेकेंड लुक इज वर्चुअल पार्टी लुक विच इज ब्लिंगी येट इजी टू क्रिएट. ये वीडियो हमने बिगिनर्स के लिए बनाया है, तो हमने ट्राई किया है कम से कम प्रोडक्ट्स यूज करने का और अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो यू मस्ट वॉच द वीडियो. सब्सक्राइब करना मत भूलो यार, ऐसे ही मजेदार वीडियोस हम बनाते रहेंगे. कर दो सब्सक्राइब, फ्री तो है, कुछ नहीं जाता है, बट हमें काफी मोटिवेशन मिल जाती है उससे. और उस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ताकि हम जब भी वीडियो डालें आपको पता चले. तो चलिए शुरू करते हैं बिगिनर्स मेकअप लुक. हाय गाइस, तो जो फर्स्ट लुक आपको दिखाने वाले हैं वो है कॉर्पोरेट मेकअप लुक. अनफॉर्चुनेटली ऑनलाइन मीटिंग्स एंड ऑल आर न्यू नॉर्मल, तो आप ये लुक ट्राई कर सकते हो. आप बिगिनर हो या आपको आता भी है मेकअप, तो आप ये ट्राई कर सकते हो. ये वाला लुक काफी सिंपल है, बहुत ही कम प्रोडक्ट्स यूज किए हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. तो जो फर्स्ट चीज है वो है टोनर. मैं टोनर लगाने वाली हूँ. अगर आपके पास टोनर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्टली मॉइस्चराइज कर सकते हैं फेस. बट मॉइस्चराइज करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज उससे आपका स्किन काफी अच्छा रहता है, हाइड्रेटेड लगता है और आपका मेकअप भी काफी अच्छा दिखता है उससे. तो आप टोनर को डायरेक्टली अपने फेस पे स्प्रे भी कर सकते हो, या ऐसे कॉटन पैड पे लेके भी लगा सकते हो. मैं इसमें ज्यादा कंफर्टेबल हूँ, तो इसलिए मैं ऐसे ही लगा रही हूँ. इसको थोड़ा ड्राई होने देंगे, फिर हम मॉइस्चराइज करेंगे. तो मैं मॉइस्चराइज कर रही हूँ. जैसे आपने मॉइस्चराइज किया फेस को, वैसे ही लिप्स को मॉइस्चराइज करना भी बहुत जरूरी है. तो आप वेसलीन तो सबके पास ही होता है, तो आप वो लगा सकते हैं. तो स्किन केयर इज डन, अभी हम स्टार्ट करेंगे मेकअप. एक चीज बताना मैं आपको भूल गई, बेस स्टार्ट करने से पहले आप प्राइमर लगा लो, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. जहाँ पे आपके पोर्स बड़े बड़े लगते हैं आपको, तो आप वहां पे लगा लीजिए. एकदम थोड़ा सा ही लेना है, बहुत ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है. अगर आप बिगिनर है तो आपको ये चीज याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्टली मेकअप पे जंप मत करो. उसके पहले जो चीजें होती है वो इम्पोर्टेंट होती है, तो वो अच्छे से कर लो तो आपका मेकअप भी बहुत अच्छा होगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो स्टार्ट करेंगे कंसीलर से, ये आपके अंडर आई एरिया में और जहाँ पे आपको अगर डार्क स्पॉट या पिंपल मार्क्स है वहां पे लगा सकते हैं. इसे पूरे फेस पे नहीं लगाना होता है, पूरे फेस के लिए फाउंडेशन होता है, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगी. इसको हाथ से ही ब्लेंड कर सकते हैं, मतलब ऐसा ब्रश होना ही जरूरी नहीं है. इसको आईज के ऊपर भी लगा सकते हैं. अब हम लगाएंगे फाउंडेशन. अगर आपको लगता है कि कंसीलर से आपका काम हो गया है और बहुत जरूरी नहीं है फाउंडेशन लगाना, तो आप स्किप भी कर सकते हो इस टाइम. बट जो लोग लगाना चाहते हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ. इसको पहले ऐसे अपने फेस पे ले लें, बहुत ज्यादा नहीं लेना. अगर आपको ज्यादा लगता है बाद में तो आप और भी डाल सकते हो, बट वेस्ट नहीं करना. इसको ऐसे फिंगर पे लेके इसे डॉट डॉट करके लगा लेंगे. ये स्पॉट होता है यहाँ पे पसीना बहुत ज्यादा आता है और बहुत ज्यादा ऑयली लगने लगते हैं, तो आप वहां पे भी अच्छे से लगा लें.
फिर इसे ब्लेंड करेंगे। ट्राई करो हाथ से ही ब्लेंड करने का, अगर नहीं होता है तो आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज कर सकते हो या ब्रशेस भी आते हैं आप वो भी यूज कर सकते हो। ये वीडियो एक्चुअली हमने बिगनर्स के लिए बनाई है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा ब्रशेस यूज नहीं कर रही हूँ क्योंकि उससे काम तो बहुत जल्दी हो जाता है बट स्टार्टिंग में भी नॉलेज नहीं होती कि किस चीज के लिए कौन सा ब्रश लेना चाहिए। अगर आपको उस पर वीडियो देखनी है तो वो भी हमें बताइए। देखिए मैंने प्रोडक्ट बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया है, मतलब यूज करते करते आइडिया आ जाता है कि लाइक कितना चाहिए होता है आपको फेस के लिए। तो अब हम लगाएंगे कॉम्पैक्ट, जो आपने फाउंडेशन और कंसीलर वगैरह लगाया है वो सेट करने के लिए उसको अच्छे से कॉम्पैक्ट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए मैं अब ब्रश यूज करने वाली हूँ क्योंकि हाथ से लगाना ये थोड़ा इम्पॉसिबल है, तो इसके लिए एक फ्लफी ब्रश ले सकते हैं आप। तो अब जैसे ही प्रोडक्ट लेंगे तो इसे डायरेक्टली मत लगाओ फेस पे, जो एक्स्ट्रा है उसको डस्ट ऑफ कर देंगे और फिर लगाएंगे। थोड़ा सा और ले लेंगे, इसको नेक पे भी लगा लेना, ये तो बहुत ही ऐसा वियर्ड सा लगता है फेस। बहुत बार आपको ऐसा लगेगा कि लाइक प्रोडक्ट दिख नहीं रहा है फेस पे, बट वही अच्छी चीज़ है कि वो नहीं दिख रहा है क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा दिखेगा तो काफ़ी फनी भी लग सकता है। तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट मत यूज़ करो, जितना आपको लगता है आपके फेस के लिए सही है उतना ही यूज़ करना है। तो जो अब नेक्स्ट है वो मैं आईज पे काम करने वाली हूँ। अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, मतलब फॉर्मल लुक के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है, बट आपको चाहिए थोड़ा प्रेजेंटेबल ज़्यादा अच्छा लगे तो आप ट्राई कर सकते हैं आई लुक भी। मैं ये ब्राउन शेड ट्राई करने वाली हूँ, इसको डस्ट ऑफ कर देंगे एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को। और मैं पूरे इस पे नहीं लगाने वाली हूँ, मैं सिर्फ आईलिड के पास लगाऊंगी इसको। तो फॉर्मल लुक के लिए ऐसा शेड यूज करो जो लगे कि लगाया है बट नहीं लगाया है, ताकि बहुत ज्यादा लाउड नहीं लगे। मस्कारा ज्यादा प्रेफर करती हूँ तो मैं डायरेक्टली मस्कारा लगाऊंगी, बट आप लाइनर भी लगा सकते हैं। लोअर लैश पे भी लगाने का ट्राई कीजिए, आई नो इनिशियली थोड़ा मुश्किल होता है बट प्रैक्टिस से ही आप सीखेंगे। तो लेट्स ट्राई। इससे आपकी आंखें बहुत लाइक बड़ी लगी, जैसे मेरी आंखें काफी छोटी है बट मस्कारा एंड ऑल लगाने के बाद काफी लाइक ठीक ठाक दिख जाती है, तो आप भी वो ट्राई कर सकते हैं। मैं दूसरी आई पे लगाने वाली हूँ। तो अब हम लगाने वाले हैं ब्लश। तो ब्लश के लिए मैं प्रॉपर ब्लश नहीं लगा रही हूँ ताकि आपको लाइक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट खरीदने की जरूरत ना पड़े। मैं मेरे पास एक लिपस्टिक है जो मैं लगाती नहीं हूँ, रेड लिपस्टिक है जो मैंने नायका से शॉपिंग करी थी जब चीज़ें नॉर्मल थी तो मुझे फ्री मिली थी रेड लिपस्टिक, तो मैं ये लगाने वाली हूँ एज अ ब्लश। तो आप ऐसा फिंगर पे इसको लगा लो, डायरेक्टली मत लगाओ नहीं तो बहुत ज़्यादा लग जाएगा, ऐसे फिंगर पे लगा लेना लाइटली। इसको अच्छे से ब्लेंड करना, मतलब थोड़ा मेहनत ज्यादा है बट इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे तो काफी अच्छा दिखेगा। ये मैंने बहुत ज्यादा लाइट रखा है मेकअप को क्योंकि इट्स नॉट अ पार्टी लुक, इसके लिए आपको वीडियो देखते रहना पड़ेगा, आपको एंड में दिखेगा। अब मैं लगाने वाली हूँ लिपस्टिक, ये है
काफी पहले से है मेरे पास लैक्मे एब्सोल्यूट की 9 to 5 लिपस्टिक है, काफी लाइट शेड है, लाइट शेड ही बेटर होता है कॉर्पोरेट लुक्स के लिए। तो हमने जो मॉइस्चराइजर लगाया था पहले, आप उसको निकाल भी सकते हो। अभी अगर लिपस्टिक आपके लिप्स के बाहर चली गई है या आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा डार्क लग रही है, तो आप टिश्यू पेपर यूज कर सकते हो, उसको ऐसे फोल्ड करके लिप्स के बीच में रखना है। इसे मूव करके देखिए, एक्स्ट्रा लिपस्टिक निकल गई है, ये लाइट भी हो गई है। तो मैं ये ब्लैक इयर रिंग्स पहनने वाली हूँ जो मेरे शॉर्ट ड्रेस के साथ जाती है। आई नो ये बड़ी है बट वैसे भी मेरे बाल ओपन रहेंगे तो ये ज्यादा दिखने नहीं वाली है, तो इट डजंट मैटर। आप छोटे स्टड्स एंड ऑल भी पहन सकते हैं, और वॉच पहनना इज इम्पोर्टेंट, तो थोड़ा प्रोफेशनल टच के लिए वॉच पहनना। और हमारा कॉर्पोरेट लुक इज रेडी एंड यू आर रेडी टू लुक प्रेजेंटेबल इन योर मीटिंग्स। ऑल द बेस्ट। सो द सेकेंड लुक इज दिस बेसिक ग्लैम मेकअप लुक, या आप किसी वर्चुअल सेलिब्रेशन के लिए या वर्चुअल डेट के लिए कर सकते हो। सो बिफोर स्टार्टिंग द मेकअप हम स्किन केयर पे थोड़ा ध्यान देंगे। सबसे पहले आई हैव क्लेंज्ड माई फेस ऑलरेडी, तो उसके बाद हम टोनर यूज करेंगे। आई एम यूजिंग दिस चिया सीड का टोनर। हम एक दो ड्रॉप्स लेंगे एंड जस्ट पैट इट डाउन। टोनर हम बेसिकली फॉर हाइड्रेशन यूज कर रहे हैं ताकि हमारा मेकअप बेस अच्छा रहे। सो आफ्टर टोनर हम मॉइस्चराइजर यूज करेंगे फ्रॉम सेटाफिल, जस्ट फॉर एक्स्ट्रा हाइड्रेशन। सो आफ्टर मॉइस्चराइजर हम अभी एक वैसलिन यूज करने वाले फॉर लिप्स। तो हमारा स्किन केयर अभी डन है, तो इसके बाद हम मेकअप पे जाएंगे। सो द नेक्स्ट स्टेप इज प्राइमर। प्राइमर आप यूज इसलिए करते हो ताकि जो आपके ओपन पोर्स है वो ब्लर आउट हो जाए, और जो आप फाउंडेशन लगाओगे तो वो स्मूथली लगे, कुछ टेक्सचर ना दिखे। मैं यहाँ पे नायका का प्राइमर यूज कर रही हूँ। हम थोड़ा सा लेंगे और जहां जहां आपके ओपन पोर्स है वहां वहां हम अप्लाई करेंगे। इसको थोड़ा सेट होने देते हैं, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। सो द नेक्स्ट स्टेप इज अ कंसीलर। मैं फाउंडेशन यूज नहीं करती हूँ, सो मैं बस कंसीलर यूज करती हूँ। अगर आप फाउंडेशन यूज करना चाहते हो या बीबी क्रीम यूज करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बट मैं डायरेक्टली अभी कंसीलर पे जाऊंगी। सो मैं कंसीलर बस अपने अंडर आई एरिया और जहां मुझे स्पॉट्स है मैं वहीं अप्लाई करती हूँ। Now with the help of a brush हम इसे blend कर देंगे। So next ये सब set करने के लिए हम compact powder use करेंगे। यहाँ मैं Maybelline का compact powder use कर रही हूँ। हम एक brush की मदद से excess को हम dust कर देंगे and then apply करेंगे। जहाँ जहाँ हमने concealer apply किया है वहाँ पे एकदम हल्के हाथों से करना, और नेक को भूलना मत। तो हमारा बेस रेडी है, हम अभी आईब्रोज करेंगे। सो पहले हम आईब्रोज ब्रश आउट कर लेंगे एक लाइन में, एंड देन उसके बाद हम फिल करेंगे आईब्रोज, जस्ट ये दो शेड्स मिक्स करके। सो नेक्स्ट है आई शेडो। हम अभी घर पे ये वर्चुअली करना है तो हम काफी बेसिक ग्लैम मेकअप करने वाले हैं, तो आई लुक भी हम काफी बेसिक रखने वाले हैं। फॉर दैट आई एम यूजिंग निका की आई शेडो पैलेट। हम ये दो ब्राउन शेड्स है वो हम यूज करेंगे फॉर आर एंटायर आईलिड। तो पहले वो करते हैं यूजिंग अ फ्लैट ब्रश। मैं बस दोनों को मिक्स करूंगी, डस्ट द एक्सेस। ये काफी पिगमेंटेड है तो लाइट हैंड से ही जाना।
ये बिल्डेबल है, तो जैसा आप पिगमेंट चाहते हो आप लेयर कर सकते हो। आप इतने में भी छोड़ सकते हो, आपने आईलाइनर लगा दिया और मस्कारा लगा दिया तो अच्छा लगेगा, ये भी बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आपको थोड़ा शिमरी लुक चाहिए तो जस्ट हम इनर कॉर्नर्स में शिमर या कुछ ग्लिटर डाल देंगे। आई शैडो को ब्लेंड करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, स्पेशली द आउटर पार्ट। तो ये मुझे ठीक लग रहा है अभी। सो अगर आप बिगिनर हो और आपको आई शैडो में इन्वेस्ट नहीं करना है तो बिग सेफेस्ट ऑप्शन इज लिप एंड चीक टिंट होता है, नायका का है, बहुत ब्रांड्स का है एक्चुअली। आप वो अपने आई लिड पे यूज कर सकते हो, चीक्स पे यूज कर सकते हो, लिप्स पे यूज कर सकते हो, 3-in-1 काम हो जाता है। तो अच्छे से ब्लेंड हो गया है आई शेडो का बेस। अब हम इस पे थोड़ा सा ग्लिटर करेंगे, बिकॉज वाई नॉट। सो फॉर शिमर आई एम यूजिंग दिस लिक्विड आई शेडो। ये बस हम हाफ पार्ट पे अपने आई लिड्स पे लगाएंगे या आप हाथ से ही ब्लेंड कर सकते हो, काफी ब्लेंडेबल है वैसे। सो अगर आपके पास लिक्विड आई शेडो भी नहीं है तो कोई भी शिमरी शेड या हाइलाइटर होगा आपके पास तो वो आप लगा सकते हो। आप इसके बाद आईलाइनर लगा सकते हो, ऑप्शनल है। अगर नहीं भी लगा रहे हो तो बस मस्कारा लगा रहे तो वो भी बहुत अच्छा लगेगा। तो अब आईलाइनर लगा रही हूँ फ्रॉम लैक्मे, तो नॉर्मल बेसिक विंग लाइनर लगा रही हूँ। सो आईलाइनर आप कभी भी चालू करोगे तो सेंटर पार्ट से चालू करना और उसी को जॉइन करते रहना अपने अपर लैश लाइन से स्टार्टिंग टू एंड। तो एंड में आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है लाइक अ विंग, और उसी लाइन को आपको जॉइन करना है अंदर की तरफ। तो मैं ये साइड का भी कर लेती हूँ। लैशेस पे थोड़ा आईलाइनर लग जाए तो जस्ट टिश्यू की मदद से आपको निकाल लो ताकि मस्कारा लगाने में कोई प्रॉब्लम ना आए। आप यहाँ देख सकते हो ऊपर आई शेडो पे आईलाइनर लग गया है, तो आप तुरंत पोछोगे तो वो गीला है तो स्प्रेड हो जाएगा, ब्लैक स्पॉट आ जाएगा। तो इसको थोड़ा ड्राई होने दे और उसके बाद ईयरबड्स के हेल्प से आप उसको निकाल लोगे तो वो इजीली निकल जाएगा। आप ईयरबड से भी जो आईलाइनर लग गया है आईलैशेस पे वो भी निकाल सकते हो। हम अभी आईलाइनर आईलिड पे जो लगा है हम वो निकालेंगे। आप देख सकते हो आईलाइनर निकल गया है और कोई ब्लैक पैचेस भी नहीं आए हैं, बस थोड़ा ग्लिटर निकल गया है तो वो मैं फिर से लगा लूंगी थोड़ा, एकदम थोड़ा जहां निकल गया है थोड़ा। सो नेक्स्ट इज मस्कारा। सबसे पहले मस्कारा लगाने से पहले हम आईलैश कर्ल करेंगे। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आप डायरेक्ट मस्कारा भी लगा सकते हो, बट आईलैश कर्लर थोड़ा अपलिफ्टिंग इफेक्ट देता है तो काफी फुलर लगते हैं आईलैशेस। तो इसके लिए बस आपको ये जो ओपनिंग पार्ट है ये दोनों के बीच में आपने आईलैशेस रखने हैं ऐसे, एंड जस्ट जेंटली प्रेस करना है। और ये एकदम अंदर लेके प्रेस नहीं करना है, बाहर से ही बस आईलैशेस जितने कवर हो पा रहे उतने और थोड़ा प्रेस करना है। सो उसको प्रेस करते रहो 5-10 टाइम्स, 1, 2, 3, 4, 5 एंड देन। तो आप देख सकते हो कि आईलैशेस थोड़े कर्ल हो गए हैं ऊपर की तरफ, और दोनों साइड में कर लूंगी। अब हम लगाएंगे मस्कारा, बेसिक मेबलिन का मस्कारा है। जब भी आप मस्कारा लगाओ तो थोड़ा एक्सेस निकाल लो, नहीं तो वो क्लम्पी लुक देता है। और लगाओगे तो शेक करो जब भी लगाते हो ताकि जो लैशेस है वो सेपरेट हो जाए, और लोअर लैशेस को मत भूलना। डन। सो नेक्स्ट इज ब्लश। आप ब्लश स्किप भी कर सकते हो, लगा भी सकते हो। आपके पास ब्लश नहीं है तो नो वरीज, जैसे मैंने पहले बताया है आप लिप एंड चीक टिंट यूज कर सकते हो, एक गुड इन्वेस्टमेंट है। आप इसको तीनों जगह यूज कर सकते हो, जैसे आई शेडो है, लिपस्टिक है और ब्लश है, तो वो इसको मैं एज अ ब्लश यूज करने वाली हूँ अभी। आपको कुछ नहीं करना, जस्ट एक डॉट यहाँ एक डॉट यहाँ, और इसको बस ब्लेंड करना है। मैं यूजुअली हाथों से ही कर लेती हूँ।
और कभी भी आप ब्लश लगा रहे हो ना तो उसको ऊपर की तरफ खींचो, क्योंकि यहाँ पे एकदम वो जोकर जैसा पैची इफेक्ट आ जाएगा। आप इसकी इंटेंसिटी टोन डाउन भी कर सकते हो, अप भी कर सकते हो, बिल्डेबल है तो आपको और थोड़ा चाहिए तो आप लगा सकते हो। अगर हाथ से ब्लेंड करने नहीं हो रहा है तो आप कभी भी ब्रश या फिर ब्यूटी ब्लेंडर यूज कर सकते हो, तो मैं ब्रश यूज कर रही हूँ। सो द नेक्स्ट स्टेप इज लिपस्टिक। अभी हमने ग्लिटरी आई मेकअप किया है तो मुझे थोड़ा लिप्स थोड़ा सटल ही रखना है, थोड़ा न्यूडिश रखना है, तो आई एम यूजिंग दिस मसाबा बाय नायका। आपने जब भी थोड़ा ग्लैम आई लुक किया है तो लिपस्टिक थोड़ा आप सटल ही रखो ताकि आपका पूरा फोकस आई लुक पे जाए, लिप्स पे नहीं। मैं बस एक पिंकिश न्यूड लिपस्टिक है वो यूज कर रही हूँ। सो द लास्ट स्टेप इज हाइलाइटर। मैं ये सिवाना का 3 साल पुराना हाइलाइटर पैलेट यूज कर रही हूँ, इसका जो सेकंड शेड है वो। मैं वही फ्लैट ब्रश यूज कर रही हूँ, जस्ट थोड़ा सा ब्रश पे लेके एक्सेस को डस्ट करके। सो हमारा मेकअप लुक रेडी है, एक सिंपल ग्लैम मेकअप है। लग रहा होगा बहुत एफर्ट्स डाले हैं बट कुछ नहीं, एक सिंपल है। आपके पास थोड़ी भी प्रोडक्ट्स है तो आप ये लुक क्रिएट कर सकते हो। अगर आपके पास ग्लिटर नहीं है तो नो वरीज, आप हाइलाइटर यूज कर सकते हो या कोई आई शेडो, आपके पास शिमरी आई शेडो है आप वो यूज कर सकते हो। लिक्विड ग्लिटर होना कंपल्सरी नहीं है। और इवन फॉर बेस आई शेडो बेस आप लिपस्टिक यूज कर सकते हो, ब्लश यूज कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। एंड सेम फॉर हाइलाइटर्स, आपके पास हाइलाइटर्स नहीं, अगर आई शेडो का कोई भी शिमरी शेड है आप वहाँ लगा सकते हो। इवन फॉर ब्लश, जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप कोई लिपस्टिक आपके एज अ ब्लश यूज कर सकते हो। आपके पास प्रोडक्ट्स नहीं है बट थोड़े बहुत भी एक दो प्रोडक्ट्स है आप उसको काफी वेज में यूज कर पाओगे, कर सकते हो। सो आई हैव चेंज्ड, मैंने ऑफ शोल्डर एक टॉप पहना है, ये मैक से है, उसके साथ मैंने ये हुप इयररिंग्स पेयर की है। मैंने ज्यादा बड़े हुप्स नहीं पहने हैं ताकि ध्यान थोड़ा मेकअप पे जाए। और फिर मैंने वॉच पेयर की है उसके साथ। वी होप आपको ये वीडियो यूजफुल और इंस्पायरिंग लगी होगी। इफ यू लाइक द वीडियो स्टार्ट प्रैक्टिसिंग विद अस, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप सीख पाएंगे। हमने भी वीडियोस देखकर ही सीखा है, सो ट्रस्ट मी इफ वी कैन डू इट आप तो कर ही लोगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। Thanks for watching. See you in our next video super soon. Ta-da! Ta-da!